17 जून की रात में 10 बजे करीब, 10 नहीं आई थिंक 12 बज रहे थे, और मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जयपुर गए हम दिखाने। जयपुर गए तो वहां पे क्या प्रोटोकॉल है कि आपको एडमिट करते हैं ना, उससे पहले आपकी कोविड की जांच होती है। तो मेरी एज अ रूल उन्होंने कोविड की जांच करी, और फिर उसके जब कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, तब वो मुझे जहाँ पे मुझे एडमिट करना है, जहाँ पे मुझे कीमोथेरेपी देना है, वहां ले जाते हैं। मतलब सारी दिक्कतें एक साथ आनी होती है, और 17 जून की रात में 10 बजे करीब, 10 नहीं आई थिंक 12 बज रहे थे रात में, और मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अगेन मेरे पैरों के नीचे से मैंने कहा यार तो निकल लेंगे, और उस टाइम पे ज्यादा पता भी नहीं था कि कोविड से कैसे डील हो कर रहे हैं लोग बाग और कैसे क्या हो रहा है। मुझे उन्होंने वहीं कोविड वार्ड में मुझे एडमिट कर दिया। अब सारे डॉक्टर्स नोन थे, बहुत सारे डॉक्टर्स थे रेजिडेंट जो आते थे, तो वो मुझे जानते थे, काफी स्टाफ नोन था मेरा वहाँ का। फिर मेरे को लगा नहीं, तेरे कोविड नहीं है। फिर मैंने अगेन जांच करवाई तो वो भी कोविड पॉजिटिव आई। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, अब हो गया, अब वो मैं वहां पे टाइम पास नहीं हुए। अब मुझे लगे कि 3 दिन निकाल लूं, 3 दिन बाद है ना, क्या पता 3 दिन बाद बहुत बुरी हालत हो जाए, 3 दिन बाद कट लें अपन। वो मेरा दिमाग खराब रहने लग गया वहां पे। मतलब डर भी लगता था कि यार ये क्या, और वहां पे जो और भी पेशेंट थे उनसे भी बात होती थी। तो पास में एक बुजुर्ग थे गांव से थे, वो उनका मोबाइल, उनको मोबाइल चार्ज करना नहीं आता था, उनका पानी भर के लाना। सामने वाले अंकल हैं, उन्होंने भी मुझे बूस्ट किया, नहीं मीनाक्षी अपन सब जाएंगे सही होकर, बिल्कुल आप टेंशन मत लो। तो उनके वो क्या है, वहाँ के प्रॉपर वहीं के थे, तो उनके घर से कुछ आता था फ्यूज वगैरह, तो वो शेयर करते थे कि जो भी आता था। मेरा तो घर कोटा में था, और यहाँ पे कोटा में घर पे आसपास पुलिस ने सील कर दिया था। अपनी खुद का SpO2 खुद का खुद नापना, गर्म पानी पीना, ये चेक करना, BP खुद का खुद चेक करना, मशीन से मोनिटाइज करना। तो डॉक्टर खुद बोलता था मुझे कि आप खुद का ध्यान खुद ही रख रहे हो। मैं डॉक्टर साहब क्या करूं, 1-1.5 साल में इतना तो सीख ही लिया है कि खुद का ध्यान खुद ही रख लेंगे। तो ये सारे काम करके क्या टाइम पास हो गया, और करीब 25 जून को मेरी रिपोर्ट हुई और वो नेगेटिव आ गई, और उसके बाद मुझे उन्होंने घर पे भेज दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कैंसर मरीजों की देखभाल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।